हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लीड ग्रुप है स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ बेसिक फैक्ट्स, ठीक है, जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करने से पहले जो लीड में पूछे जाते हैं, लीड के एग्जाम में आपके लिए आएंगे और आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उससे पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए मैकेनिक्स के बारे में कि मैकेनिक्स कैसे वर्क करती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। तो इसी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ बेसिक फैक्ट्स की तरफ। इज दैट क्लियर? तो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं ये अप्लाइड मैकेनिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, लीड गुरु आपकी। मैंने जैसे कि आपको इसका एडवर्टाइज मतलब कि स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो लेकर आया था कि हम लीड गुरु में क्या क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसी ही लीड दे रखी है, ये ऑल इंडिया की बुक है, ये आपकी हर जगह काम आएगी, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, PU का दो, स्लीट का दो, थापर यूनिवर्सिटी का दो, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दो, PTU का दो, JNTU का दो, राजस्थान का दो, जामिया का दो, तमिलनाडु का दो, केरला का दो, उड़ीसा का दो, KIIT भुवनेश्वर का दो, RGPV का दो, MMU का दो, अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। और ये बनी सिंह गुरमी सिंह की बुक है, सत्य प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और आप भी इसे परचेस कर सकते हैं बाय गोइंग टू दरियागंज, ठीक है, इन चीप प्राइसेस। ओके, तो जैसे एक मिनट, थोड़ा कैमरा ऐसा है ना, हाँ जी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स यहाँ से दिखा रखा है। तो यार ये देखो, ये आप इतना टाइम है आपके पास है नहीं कि आप ये पढ़ो ना, कुछ होंगे जिनके कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने बुक तक परचेज नहीं की होगी, ठीक है, वो ये बंदे सोच रहे होंगे कि यार हम तो ऐसे देंगे पेपर जाके, ठीक है। तो यार ऐसे अगर आप पेपर देने जाओगे तो आप बेटर स्कोर अप नहीं कर पाओगे। अगर आपको बेटर स्कोर अप करना है तो आपको कुछ ना कुछ स्टडी करनी पड़ेगी लीड की बुक से, उसके बेसिक फैक्ट्स करने पड़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू अप्लाइड मैकेनिक्स। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स दिखा रखा है यहाँ पर, अप्लाइड मैकेनिक्स उसमें सबसे पहले मैकेनिक्स को डिफाइन किया गया कि मैकेनिक्स जो है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड मोशन ऑफ अ फिजिकल सिस्टम। ओके, ये मैकेनिक्स कहलाती है जो डील करती है फोर्सेज और मोशन से रिलेटेड स्टडी के ऊपर, वो आपकी मैकेनिक्स कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स शो की गई है, कौन कौन से थे, स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दो ब्रांचेस है मैकेनिक्स की, स्टैटिक एंड डायनेमिक। उसके बाद में स्टैटिक और डायनेमिक को डिफाइन किया गया है। तो ये सब देखो आपके लिए कुछ ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक क्रिएट कर देगा, ठीक है, और इसमें आप मेरे साथ बन भी नहीं पाओगे क्योंकि बोरिंग हो जाएगी। तो हम सीधा इसकी समरी में चलेंगे और समरी में इसके बेसिक फैक्ट्स जानेंगे, आफ्टर इट ऑल देन वी विल सॉल्व द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, सो जस्ट कम टू द समरी ऑफ दिस होल चैप्टर, एज यू कैन जस्ट वॉच इट हियर, दिस इज द होल चैप्टर रिलेटेड टू और पर्टेनिंग टू अप्लाइड मैकेनिक्स, एंड आई विल शो टू यू दैट वेरी समरी। यस, दैट इज हियर इज समरी पॉइंट, एंड इट इज़ नॉट टू मच बिगर, जस्ट लाइक दिस प्रीवियस पार्ट्स एंड पॉइंट्स अबाउट अप्लाइड मैकेनिक्स। ओनली वी जस्ट फोकस ऑन समरी, एंड आफ्टर इट वी विल जस्ट कम एट दिस पेज, एंड देन वी विल जस्ट कम एट दिस पेज। ये आपको पेज सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो है नहीं कि आप अब वीडियो देखना शुरू कर रहे हो और इतनी जल्दी ये अप्लाइड मैकेनिक्स खत्म कर दोगे, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी यार, ऐसे थोड़ा कुछ आपको मतलब कि आपकी मनचाही चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप बढ़िया कॉलेज चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर आएंगे, और जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिखा रखा है द फोर्सेस एक मिनट माई कैमरा इज नॉट सपोर्टिंग क्लियर इमेज सो प्लीज फॉरगिव मी द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन वन प्लेन आर कॉल्ड। तो आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे और आस्क किया जाएगा आपसे कि यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वी विल सॉल्व आफ्टर स्टडिंग अप्लाइड मैकेनिक्स बेसिक फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग्स पर्टेनिंग टू अप्लाइड मैकेनिक्स, सो दैट वी कैन एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एट देयर एग्जाम टाइम। ओके, सो जस्ट कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड जस्ट ट्राई टू स्टडी अबाउट बेसिक ऑफ समरी ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। So it's this video is going to be large, only in this video we just study something about mechanics and scalar quantities and vector quantities and nothing about all, only we will just focus on these topics.
Mechanics may be defined as the science which describes and predicts the condition of rest or motion of bodies under the action of forces. There are two types of quantities, scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities possess magnitude only, example time, energy, volume, etc. These are added algebraically. What are vector quantities? Vector quantities possess magnitude as well as direction, example force, displacement, etc. These are represented by a directed line whose arrow represents the direction and length represents this magnitude. This magnitude, okay. Then after, in the upcoming video, in the next video, we just study about parallelogram law and triangle law and principle of transmissibility. And in the next video, we will try to focus on our camera clarity, because as you can just watch that our camera quality is not supporting yet at this time. What is happening in this camera and what's the problems are creating in this camera, I also don't know. So next, in the next video, in the upcoming video, I will just try to keep more focus on my camera clarity. I'm just trying to clear it, but it is not clearing. What is happening in this camera, I don't know. So please forgive me a great sorry and great sorry towards me to all of you. Okay guys, thank you. Please don't forget to subscribe our channel Leet Guru and like it.